मौलाना अबुल कासिम मोहम्मद अहले बैत तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन अलमयामीन अल्लज़ीन ज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज़्स व तहरहुम तत्हीरा वलानतुल्लाहि अला वादाइहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व मनाक़िबिहिम अजमईन من يوم اللداوة همذ المهم لا يوم الدين ما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق والشمس وزهاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها صلوات بابا زبان मासूम फरमाते हैं बुलंद आवाज़ से दुरूद पढ़ने से दिलों से कीना और निफाक दोनों दूर हो जाते हैं। अशराए मुहर्रम हराम सन 1443 हिजरी के सिलसिले मजालिस की छठी तकरीर आप हजरात समाअत फरमा रहे हैं बवनवान कुरानी उसूल और नफ्स रसूल। यकीनन सबब कामरानी है, सबब कामयाबी है हर उस शख्स के लिए जो इस काफिले से जुड़ गया, इस जिक्र से मुतमस्सिक हो गया और यहाँ आके ये बता रहा है कि हम कातिलों में से नहीं, कातिलों पर लानत करने वालों में से नहीं। यहीं से जुड़ जाइए मेरे साथ। मुसलसल 5 दिनों से आप सूरह शम्स के ज़ैल में गुफ्तगू सुन रहे हैं कि अल्लाह ने एक नबूवत का शम्स बनाया, एक विलायत का कमर बनाया और विलायत के कमर को सूरज के पीछे पीछे चलाया। कसम खाई रात की जब वो इस सूरज को ढांप ले, कसम दिन की जब वो इसे रोशन कर दे, कसम है आसमान की और उसके बनाने वाले की। आप मुसलसल मतालिब को महफूज कर रहे हैं और गुफ्तगू का सिलसिला उसकी बुनियाद शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी के इस जुमले पर है कि आखिरत की खेती ये दुनिया है जहां मारिफत इलाही का फल तौफीक इलाही की जमीन में बोया जाता है, उस पर नबूवत की धूप लगती है, विलायत की चांदनी पड़ती है, अकीदे की शबनम होती है और कीड़ों और मुजर चीज़ों को मारने के लिए तबर्रे का स्प्रे होता है। कल आप ये सुन चुके हैं कि ये सूरज जो आपका और मेरा सूरज है ये 4 सजदे करता है और जो आसमाने नबूवत का सूरज है वो 5 सजदे करता है। एक सजदा अली की मोहब्बत के शुक्र में, एक सजदा शहजादी की मोहब्बत के शुक्र में, एक एक सजदा हसन हुसैन की मोहब्बत के शुक्र में और एक सजदा इस शुक्र में कि अल्लाह उनसे भी मोहब्बत करता है जो हमसे मोहब्बत करते हैं। अगली आयत की तरफ 5 दिनों की तमहीद के बाद आपको लेके आ रहा हूं। वस्समाई वमा बनाहा, कसम है आसमान की और उसके बनाने वाले। मुहद्दिस दहलवी ने लिखा कि इस सूरज की धूप का पड़ना वो जो बीज बीजा जाता है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर ये धूप ना पड़े तो उस बीज में इतनी ताकत पैदा ना हो कि वो ज़मीन के सीने को शिगाफ्ता करके बाहर आए। लेकिन अब सवाल ये है कि ये समा कौन सा है, क्योंकि आसमान से नेमत और बारिश बरसती है, नेमतें बारिशें रिस्क आसमान से आ रहा है,
सबका यकीन है पीछे तक मेरे साथ है, सब नेमतें बारिश आसमान से आती है जिसकी वजह से पानी मिलता है और फसल को पानी लगता है तो फसल जवान होकर खड़ी होकर तैयार हो जाती है। तो ये पानी ये नेमतें आसमान से आ रही है और अल्लाह कह रहा है कसम है आसमान की और उसके बनाने वाले की जिसने उसे कायम किया। अब सवाल ये है कि अगर ये सूरज वो सूरज नहीं, चांद वो चांद नहीं, रात वो यहीं से जुड़ जाइए मेरे साथ बेदार होके, रात वो रात नहीं, तो फिर मानना पड़ेगा आसमान भी वो आसमान नहीं। इजाजत है एक आयत पढ़ दूं अगर बेदार है सारे। सूरह मुबारक ज़ारियात 22वां सूरा, बगैर किसी तमहीद के मैं आपसे मुत्तसिल हो गया, आयत महफूज कीजिएगा। वफिस समा, आयत का निशान 22 सूरह मुबारक ज़ारियात, इरशाद है वफिस समा रिज़्क़ुकुम वफी अनफुसिकुम आयातुन लिल्मूक़िनीन। हमने जमीन में आयतों को रखा है। नहीं, परेशान होकर नहीं सुनना। हमने जमीन में वफिल अर्ज आयातुन लिल्मूक़िनीन, हमने जमीन में आयतें रखी हैं, निशानियां छुपाई हैं, मगर हर एक के लिए नहीं, सिर्फ यकीन रखने वालों के लिए। हमने जमीन में आयतें रखी हैं, हर एक के लिए नहीं रखी, यकीन रखने वालों के लिए। जैसे कुरान हर एक के लिए शिफा नहीं है। ये पिछले मोहल्ले के दोस्त घबराए हुए हैं भाई, मजहब आले मोहम्मद में आमादगी का इजहार सर हिलाने से नहीं, हाथ उठाने से होता है। हाँ, मेरे हम सफर हैं ये बताते रहिएगा। आयत महफूज कीजिए, वफिल अर्ज आयातुन लिल मोकिनीन, जमीन में निशानियां हैं हर एक के लिए नहीं, यकीन रखने वालों के लिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे कुरान हर एक के लिए नहीं शिफा, कुरान खुद कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, कुरान खुद कह रहा है वनुनज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफा वर्रहमतुन लिल मोमिनीन। ये जो कुरान हमने नाजिल किया है ये शिफा ही शिफा है और रहमत है, मगर हर एक के लिए नहीं, सिर्फ मोमिनीन के लिए। वला यजीदु ज़ालिमीन इल्ला खसारा, और जालिम इसे पढ़ता है तो उसे उल्टा नुकसान हो जाता है। जालिम इसे पढ़ता है तो जालिम को नुकसान हो जाता है। तो अल्लाह कह रहा है आयत रखी है जमीन में रखी है, मगर हर एक के लिए नहीं, यकीन रखने वालों के लिए। और जमीन तो फिर जमीन है, वफी अनफुसिकुम हमने तुम्हारे अपने नफ्सों में आयतें रखी है। इसका मतलब है मेरा चलना, मेरा बोलना, आपका खाना, आपका पीना, आपका गुफ्तगू करना, ये आयतें हैं। अल्लाह कह रहा है हमने इनके नफ्सों में भी आयतें रखी हैं। अफला तुबसरून, ये देखते नहीं हैं। नहीं, मैं लफ्ज़ बदल के कहता हूँ, अफला तुबसरून हमने जमीन में भी आयतें रखी, इनके अपने नफ्सों में भी आयतें रखी, ये गौर नहीं करते। अल्लाह कहना ये चाह रहा है कायनात में देखने वालों अपने अंदर क्यों नहीं देखते, तुम्हारे अपने अंदर आयतें रखी हुई हैं, तुम अपने अंदर गौर नहीं करते, अपनी जात में गौर नहीं करते। इसीलिए तो अली ने कहा था मन अरफा नफ्सहु फकद अरफा रब्बहु, जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसी ने अल्लाह को पहचान लिया। सलावात पढ़े शानदार सी, मुझे पता चले सब आमादा हैं। भाई तफर्रके के इस दौर में मोहल्ले बांट बांट के सलावात ना पढ़े, सब मिलके एक मिल्लत बन के बावाज़े बलंद सलावात। वफिल अर्ज आयातुन लिल मोमिनीन, हमने जमीन में आयतें रखी हैं किसके लिए, सबके लिए नहीं, किसके लिए नहीं आ रही आवाज, किसके लिए, सब मिलके, यकीन रखने वालों के लिए, सिर्फ अर्ज में जमीन में नहीं, तुम्हारे अपने नफ्सों में, क्या देखते नहीं। फिर आगे फरमाया वफिस समाए रिज़्क़ुकुम वमा तुआदून, और हमने आसमान में रिज़्क़ रखा है
नहीं, बात मुश्किल है मैं जानता हूँ, लेकिन यहाँ सारे वो हैं जो मुश्किल कुशा को मानने वाले हैं। हाँ, तो हाथ उठाते रहेंगे तो मुझे पता चलता रहेगा मेरे हम सफर हैं। महफूज कीजिएगा आयत, हमने जमीन में निशानियां रखी, किसके लिए? हर एक के लिए नहीं, यकीन रखने वालों के लिए। तुम्हारे अपने नफ्सों में निशानियां रखी, तुम गौर नहीं करते। और हमने आसमान में रिस्क रखा है, और जिस जिस शय का तुमसे वादा है वो इस असमा में, आसमान में है। अब गौर तलब बात यह है, जमीन में निशानी है, और जमीन होती है मट्टी की, और मट्टी को अरबी में कहते हैं तुराब। मुझे नहीं पता कौन बेदार है और कौन नहीं। मट्टी को कहते हैं तुराब, तो कुरान कह रहा है तुराब में हमारी आयतें हैं। कमाल है, तुराब आयत हो सकती है, अबू तुराब आयत क्यों नहीं हो सकता? तुराब आयत हो सकती है, अबू तुराब आयत क्यों नहीं हो सकता? और दूसरी बात, तुम्हारे नफ्सों में आयतें हैं, निशानियां हैं। इसका मतलब है मेरी जात में अल्लाह की निशानियां मौजूद हैं। मैं खा रहा हूं तो ये उसके होने की निशानी, मैं पी रहा हूं तो उसके होने की निशानी, मैं सो रहा हूं तो उसके होने की निशानी, मैं सांस ले रहा हूं तो उसके होने की निशानी, मैं चल फिर रहा हूं तो उसके होने की निशानी, मैं देख रहा हूं तो उसके होने की निशानी, मैं सोच रहा हूं तो उसके होने की निशानी। तो जुमला आपके हवाले करूं, अमा जब मेरे नफ्स में आयत है तो फिर नफ्स रसूल में क्या क्या होगा? जाके आखिरी मोमेंट तक हाथ बुलंद करके, जब मेरे नफ्सों में निशानी आए तो फिर जो नफ्स रसूल है, नहीं मैं जो घबरा के देख रहा हूं उनके लिए और आसान कर दूं, सिर्फ नफ्स रसूल नहीं है, नफ्सुल्लाह भी है। है यकीन या नहीं कि अली नफ्सुल्लाह? शबे हजरत अली ने अपना नफ्स अल्लाह को भेज दिया, तो फिर अली नफ्सुल्लाह है। अजीब कमाल है अली की जात में। एक तरफ नबी कहता है लहमो का लहमी या अली, दमो का दम या अली, जिस्मो का जिस्मी या अली, रूहो का रूही या अली, नूरो का नूरी या अली, अजमो का अजमी या अली। या अली तेरा गोश्त मेरा गोश्त, तेरा खून मेरा खून, तेरी रूह मेरी रूह, तेरा नूर मेरा नूर। दूसरी तरफ से परवरदिगार की आवाज आती है, इसकी आंख मेरी आंख, इसका हाथ मेरा हाथ, इसका चेहरा मेरा चेहरा। तो दोनों में खेचा तानी चल रही है। वो कहता है मेरा है, ये कहता है मेरा है। भाई ये तो है अल्लाह और उसके हबीब का मामला, मगर मैं इतना जानता हूँ उसका दावेदार अल्लाह भी है, उसका हबीब भी है। तो खबरदार, अली के फजाइल का इनकार न करना, आधी लानत अल्लाह की पड़ेगी आधी रसूल अल्लाह। खबरदार, मैंने हाथों को जोड़ा, मैंने कहा या रसूल अल्लाह, वो कहता है ये यदुल्लाह है, वो कहता है ये ऐनुल्लाह है, वो कहता है ये उज़्रुल्लाह है, वो कहता है ये वजहुल्लाह है, वो कहता है ये लिसानुल्लाह है। का पेरा कमाल देखो, लहमो का लहमी या अली, दमो का दम या अली, जिस्मो का जिस्म या अली, रूह का रूही या अली, रूह का रूह या अली, अज़्म का अज़्म या अली। तेरी हड्डी मेरी हड्डी, तेरा खून मेरा खून, तेरा जिस्म मेरा जिस्म, तेरी रूह मेरी रूह, तेरा नूर मेरा नूर। ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि अली की रगों में लहू किसका है। आपने दादी में शुक्रगुजार ममनून, परवरदिगार आपको जीता रखे, सलामत रखे, ये जवान सलामत रहे, इन बुजुर्गों का साया सलामत रहे। लेकिन सोचने वाली बात यह है, मुस्तफा ने यह नहीं कहा मेरा खून तेरा खून, ना 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 ना, ये नहीं कहा मेरा खून। लफ्जों को वैसे सुनिए जैसे मैं भेज रहा हूँ, मेरा खून तेरा खून नहीं, याली तेरा खून मेरा खून, और अली की रगों में है अबू तालिब का लहू। तो या तो अबू तालिब को काफिर कह के नाऊज़ बिल्ला नबी के लहू पे शक करो, वरना मानना पड़ेगा जितना ताहिर मुस्तफा का खून उतना पाकीज़ा अबू तालिब का। यही आकर सुनने का, मिल के आखिरी मोमेंट तक अली हक हाथ बुलंद करके, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक।
जितना ताहिर मुस्तफा का लहू उतना ताहिर अबू तालिब का लहू, अली की रगों में है अबू तालिब का लहू। नहीं नहीं, जो 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 अभी भी नहीं पहुंचे उन नौजवानों के लिए आसान कर दूं मंजर मैं याद दिलाता हूं। अच्छा नहीं, पहले छोटा सा एक फिक्री मसला बताएंगे, थोड़ी सी मदद, मैं बहुत ज्यादा फिक्र नहीं जानता। मेरे हाथ में कट लग गया, जख्म आ गया, खून बह रहा है, बह चले जा रहा है, मैं मुसल्ले पे खड़ा हूं, हो जाएगी? जिन्हें मसला पता है चले वो तो मेरी मदद कर देना, नहीं होगी? क्यों भाई, लहू बह रहा है और बहते लहू में नमाज। मिलके मिलके सलावात भी पढ़ दीजिए बुलंद आवाज से। तवज्जो है मेरी तरफ, मतलब लहू बह रहा है तो नमाज नहीं होगी। अल्लाह आपका भला करे, मुश्किल तो आसान हो गई, मगर जिन्होंने जवाब दिया है अब वो कायम ज़रूर रहें। 19 रमज़ान की सुबह है, कूफे की मस्जिद है, अली के सर पर ज़रबत है, फ़ज़ाइल पढ़ रहा हूँ, लहू बह रहा है, अली ने बहते लहू में नमाज पढ़ी। अब कायनात का कोई फतवा देने वाला, कोई फिका जानने वाला ये फैसला करके बताए कि अली की नमाज नाउज बिल्ला रही, हाँ हाँ जरूरत है तो करो ना फैसला, रही या ना रही, क्या यकीन है? ऐसी नमाज कायनात में किसी ने पढ़ी ही नहीं जैसे 19 रमजान को अली ने पढ़ी। या अली मैं लहू में पढ़ू तो मेरी नहीं होती, आप सर सा पाओ लहू में शराबो, नमाज पढ़ रहा है बता क्या रहा है, क्या बताना ये है मेरी रगों में है अबू तालिब का लहू, जिसके लहू में अली जैसी पाकीज़ा शख्सियत की नमाज हो जाती हो उस अबू तालिब के ईमान पे बहस न करना। बात भूली तो नहीं ना तुम्हारे नफ्सों में आए थे, तो जब हमारे नफ्सों में तो जो नबी का नफ्स और नबी का नफ्स हमने तो नहीं कहा, कुल तालो अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम अनफुसना व अनफुसकुम, तुम लाओ अपने बेटे हम लाएं अपने बेटे, तुम लाओ अपनी बीबियां हम लाएं अपनी मस्तूरात, तुम लाओ अपने नफ्सों को हम लाए अपने नफ्स को, तो या मुबाहले में नबी का कोई और नफ्स दिखाओ या जब तक नहीं मिलता मानना पड़ेगा इस शम्स का कमर इसका नफ्स होता है। आयतें रखी हुई है और अगली आयत में कह रहा, परेशान तो नहीं हो रहा ना मेरी बातों से, अगली आयत में कह रहा है वापिस समाए रिस्कुकुम, आसमान में रिस्क है जमीन में आयतें हैं, मालिक मेरा मजमा मुझे घबरा के देख रहा है, हम तो बचपन से यही सुनते आए हैं कि रिस्क जमीन से उठता है, आयत आसमान से आती है, तेरा कुरान ये दर्ज दे रहा है कि आसमान में रिस्क रखा हुआ है, आयत जमीन से आ रही है, तो हमारा तो तसव्वुर ही उलट गया, हम तो ये समझ रहे थे रिस्क जमीन से आता है आयत आसमान से आती है, तू कह रहा रिस्क आसमान में रखा हुआ है आयत जमीन में रखी हुई है, तो या तो मानना पड़ेगा कि नाउज़ुबिल्लाह कुरान ने हकीकत से उलट बात की, वरना फिर फैसला एक ही है, ये समा नहीं कोई और समा है, तलाश करें इस समा को। मेरे मसलक का हवाला नहीं, पहले एक आयत पढ़ दो, हाँ कुरान वो तौक है जिसके डलने के बाद अली का मुनकर तड़प तो सकता है निकल नहीं सकता, सूरह मुबारक का बुरूज बुरूज, कसम है उस आसमान की जो बुर्जों वाला है, कसम है उस आसमान की। अच्छा जिस मसलक से जिसका ताल्लुक है, अगर कोई ईसाई आलिम मिले उससे पूछ लीजिएगा, कोई हिंदू मिले उससे पूछ लीजिएगा, कोई गैर मजहब गैर मुस्लिम मिले और इल्म फलकियात जानता हो तो उससे पूछिएगा आपके मजहब में
आसमान के बुर्जों की तादाद कितनी है? जो पहुंच गए यकीनन काबिले तहसीना, जो नहीं पहुंचे उन्हें तनहा नहीं छोड़ूंगा। जो मजहब मिले सबसे पूछिए, इसके अलावा जवाब नहीं मिलेगा। हर एक कहेगा हर मजहब के इल्म फलकियात में आसमान के बुर्जों की तादाद 12 ही है। ये तीसरे पंखे से पीछे के मजमे में मैं मुतमईन नहीं हूं। जो हाथ नीचे अगर वो भी बुलंद हो जाए तो मुझे यकीन आ जाएगा। आप सलामत रहे, परवरदिगार आपकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। मैंने क्या अर्ज किया? और हर मजहब में बुर्जों की तादाद 12 है, इसमें कोई तफरीक मजहब व मिल्लत नहीं है। जिस मजहब का इल्म फलकियात उठा के देखें, आसमानों की तादाद 12 है। अब हवाला सुनिए, अल्लामा वहीदुज़्ज़मां, उनका ताल्लुक मेरे मसलक से नहीं, मसलक के देवबंद से है। बहुत बड़ा हदीस का लुगत लिखा है उन्होंने, और वो लुगत उसका नाम है लुगातुल हदीस। हदीसों में जो मुश्किल अल्फाज आए हैं उनका लुगत लिखा है। अब जाके देखिएगा कि सूरह बुरूज में जो उन्होंने लिखा वो यही लिखा कि हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने आके मेरे नबी से पूछा, या रसूल अल्लाह ये कुरान क्या कह रहा है? वस्समा जातिल बुरूज, कसम है उस आसमान की जो 12 बुर्जों वाला है। अब जुमला आपके हवाले जैसे दिल चाहे सुनिए, मुस्कुरा के चूंके मुस्तफा ने कहा, अस्समा अना वल बुरूज अल औसिया, आसमान मैं हूं, 12 बुरूज मेरे 12 वसी हैं। कोई खास बात है उधर? अगर मुझे चल के आके भी पूछना पड़ा तो मैं आ जाऊंगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हाथ बुलंद होते होते क्यों झुक जाता है। भाई ये हाथ खतीब के ऊपर एहसान नहीं है, ये हाथ बताता है कि ये हाथ उठा है तो हुसैन से खैरात लेके लौटेगा। अफसोस होता है कि एक भी शख्स अगर इस कारवां से कोई बच्चा भी बिछड़ जाए तो लगता है कि कोई पीछे रह गया, और अपनों को पीछे छोड़ा नहीं जाता, साथ लेके चला जाता है। तो मेरे साथ रहिएगा, आसमान में रिस्क है, आसमान है मेरे नबी, और सिर्फ रिस्क नहीं है। वमा तू अदून, जिस शय का तुमसे वादा किया है वो इस समा में रखा हुआ है। अब समा कौन है? बोलेंगे तो बात बनेगी, कौन है? रसूल अल्लाह। समा कौन है? हाँ, जो मोहम्मद की शफाअत चाहता है। बोले अपने नबी का नाम कौन है? समा, मेरा रसूल। अल्लाह कह रहा है मैं रिस्क का खालिक हूं, मगर मिलेगा मुस्तफा के दरवाजे से। जो शाने रिसालत सुनना जानता है सर उठाए मेरी तरफ देखे। क्या कहा मैंने? रिस्क का खालिक वो है। अच्छा नहीं, बड़ी सही किताब से सही रिवायत सुनाऊं। किताब का नाम सही बुखारी, लिखने वाले इमाम इस्माइल बुखारी रहमहुल्लाह। उन्होंने लिखा कि नबी ने फरमाया, अल्लाह मौती व अना कासिम, लकब है ना नबी की, कुन्नियत है अबुल कासिम, तो इसकी वजह बेटा कासिम नहीं है। इमाम बुखारी सही में लिख रहे हैं कि नबी ने फरमाया अल्लाह रिज्क का खालिक है, मैं उसका तकसीम करने वाला हूँ। अब जो अपने ही नबी की शान पे भी ना बोल सके वो कब बोलेगा? अच्छा नहीं, अल्लाह रिज़्क़ खालिक करने वाला है, रिज़्क़ का खालिक है, तकसीम करने वाला मैं अली, मैं मोहम्मद हूं, सिर्फ रिज़्क़ का। अब यहां तक आया हूं तो जुमला तो कह के जाऊंगा, पढ़ूंगा यार। सूरह मुबारक अनफाल 8वां सूरह, इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि वल रसूल इज़ा दाअकुम लिमा युहयीकुम। ये याद रखिएगा, हर एक को मुखातब नहीं किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू
आए ईमान वालों, जब तुम्हें अल्लाह और उसका रसूल पुकारे जवाब दो। तवज्जो, बहुत आहिस्ता से और इशारे में गुजर जाऊंगा इस मंजिल से। आए ईमान वालों, जब तुम्हें अल्लाह और उसका रसूल पुकारे जवाब दो। क्यों? लिमा युहयीकुम, ताकि वो तुम्हें जिंदगी दे। नहीं 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 मेरे नौजवान दोस्तों, थक के नहीं सुनना। एक एक शख्स बेदार हो जाए तो मैं जुमला आपके हवाले करूं। नबी की शान सुनो मेरा प्यारा नबी, सुनना भी इबादत, सुनाना भी इबादत। ये नाते नबी है जो कुरान बयान कर रहा है। ऐ ईमान वालों, जब तुम्हें अल्लाह और उसका रसूल पुकारे जवाब दो। आयत ताजी ताजी उतरी, नबी हजरत उबई बिन काब रजी अल्लाह तआला अन्हु के घर आए, घर के बाहर से आवाज दी, उबई या उबई। अब हजरत उबई बिन काब नमाज पढ़ रहा है। वाकया दीनियात की छोटी छोटी किताबों से लेकर तारीख और तफसीर की बड़ी बड़ी किताबों में भरा पड़ा है। मैं इशारा करके अपनी मंजिल की तरफ बढ़ जाऊं। आए या उबई, नमाज पढ़। अब नमाज में तेजी आ गई, भाई नबी ने पुकारा है, आका ने पुकारा है, नमाज में तेजी आ गई, जल्दी जल्दी खत्म करूं, बारगाह रिसालत में जाऊं। नबी ने दूसरी आवाज दी, या उबई, और तेजी आ गई। थकना नहीं खुदा के लिए, और तेजी आ गई। तीसरी आवाज दी, या उबई, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। आए लब्बैक या रसूल अल्लाह, सरकार हाजिर हूं। सुनेंगे जुमला, रहमतन लिल आलमीन, गजब के आलम में कहा, या उबई अमा समयता अव्वलन, पहली आवाज पे नहीं सुना था। ना 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 ना, इबादतों पे कमेंट करने वाले सर उठाए और मेरी तरफ देखे। उबई बिन काब ने पलट के कहा, सरकार कुन तो उसल्ली, मैं नमाज पढ़ रहा था। नबी ने कहा, जब हमने बुलाया था तो तेरी क्यों नहीं, जब हमने बुलाया था तोड़ी क्यों नहीं। कि सरकार अल्लाह की पेशी में था, अब वो भी सहाबी रसूल शम्माए रिसालत का परवाना, पलट के कहने लगे, सरकार अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह की पेशी में, उसकी हुजूरी में था। कहने लगे, उबई कुरान नहीं पढ़ते, उबई कुरान नहीं पढ़ते। का सरकार पढ़ता हूं, मेरा तो लकब ही आपने दिया है सैयदुल कुरा, कारियों का सरदार, तो मैं कैसे ना कुरान पढ़ू। तो पलट के कहा, तो फिर तुमने ये आयत नहीं देखी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि वल रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। आई ईमान वालो, जब अल्लाह और उसका रसूल पुकारे फौरन चले आओ, फौरन चले आओ। नमाज पढ़ रहे हो तो चले आओ, खड़े हो तो चले आओ, बैठे हो तो चले आओ, लेटे हो तो चले आओ, खा रहे हो तो चले आओ। खबरदार, मुझे नहीं पता तारीख किसके जहन में है और किसके जहन में नहीं। यानी जब नबी जिस हालत में पुकारे फौरन चले आओ, चाहे अल्लाह की पेशी में हो चले आओ। आराम कर रहे हो तो चले आओ, काम कर रहे हो तो चले आओ, सो रहे हो तो चले आओ, जाग रहे हो तो चले आओ। खबरदार, ऐसा ना हो नबी पुकारे और तुम दस्तरखान पे खाना खाते रहो, खुदा की कसम कभी पेट नहीं भरेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे विलायत, नारे विलायत, नारे हैदरी। खुशनूबी इमाम अकबर आला सलाम फ्रॉम बरसावा। देखो, अगर इसे बुलंद कहते हैं तो फिर आहिस्ता आवाज से सलावात पढ़ लें। जब नबी पुकारे, आप बोलेंगे तो बात बनेगी, जो हुक्म नबी मानना जानते हैं। जब नबी पुकारे फौरन चले आओ, जो कर रहे हो चले आओ, जैसे हो चले आओ, जिस आलम में हो चले आओ, जिस तरह हो चले जाओ। मगर जानते हो लमाइल सुन्नत में यहाँ एक छोटा सा मसला बयान किया है, वो सुन लीजिए और मैं आगे बढ़ जाऊँ। उन्होंने लिखा, मैं अगर नमाज पढ़ रहा हूँ और मैं किसी सबब से अल्लाह न करे नमाज तोड़ के अपना काम करूँ, तो मुझे नमाज शुरू से शुरू करनी पड़ेगी।
थोड़ा जानता हूं ना, मदद करें, शुरू से शुरू करनी पड़ेगी। अब सुनिए उलमा अहले सुन्नत ने यहाँ क्या लिखा, उन्होंने लिखा अगर कोई शख्स नमाज पढ़ रहा हो और मुस्तफा उसे पुकारे, वो वही नमाज तोड़े, मुस्तफा के हुक्म की तामील करे और जब काम मुकम्मल करके वापस आ जाए तो नमाज शुरू से शुरू ना करे, वही से छोड़ ले, वो अब तक नमाज में ही था। वो अब तक नमाज में, यह है शान रिसालत। अल्लाह की बारगाह में भी खड़े हो और उसका हबीब पुकार ले, फौरन चले आओ। क्यों? वो तुम्हें क्या देगा? तो हयात का खालिक तो वो है। बस बताना यही है, रिस्क से लेकर हयात, बारिश से लेकर मौत, जो जो कायनात में अमर इलाही है, खालिक वो है, मिलती नबी के दरवाजे से है, मिलेगी नबी के दरवाजे से, पाओगे नबी के दरवाजे से। अच्छा एक बात और करता चलो, इसी आयत के ज़रिए में मिलेगी कहां से? नबी के दरवाजे पे। नबी जब पुकारे, आखिर तक नबी जब पुकारे चले आओ। और यही नबी अगर कहता नजर आए हुसैन मिन्नी वाना मिन अल हुसैन, तर्जमा करने वाले ये तर्जमा कर देते हैं हुसैन मुझसे है मैं, ये तर्जमा ठीक है मगर मैं तर्जमे की जिम्मेदारियों को कबूल करते हुए अदबियात अरब का छोटा सा तालिबे इल्म हूँ और ये जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ये तर्जमा ठीक है मगर कामिल नहीं है। अगर दिल चाह रहा हो और मेरी बातों से परेशान ना हो तो मैं सही तर्जमा आपके हवाले करना चाह रहा हूँ। सलवात इतनी बुलंद आवाज से पढ़ दीजिए कि मुझे पता चले आप सुनना चाहते हैं। मिन हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, इसमें जो मिन है, मिन के अरबी में बहुत सारे मवारिद मवाजे हैं, मैं यहाँ सिर्फ नाम पे गुफ्तगु करने नहीं आया, मगर यहाँ लोगों ने एक आम मानी जो लोगों में मशहूर है वो है तबईज। मिन और भी चीज़ों के लिए, जिंस के लिए भी आता है, तबीज़ के लिए भी आता है और कई सारे माने, खायत के लिए भी आता है। मिसाल देता हूँ, मैं यहाँ से रोज़ाना पढ़ के लाहौर जाता हूँ तो अगर मैं किसी को बताऊँ कि कहाँ से चला और कहाँ गया तो अरबी में यूँ बताऊँगा मिनल गोजरा इलल लाहौर। अब ये मैं गोजरे में से थोड़ा सा हूँ, नहीं ये रस्ते की इंतहा और इब्तिदा बताने के लिए आता हूँ। दूसरा मौका, ये जिंस बताने के लिए, हकीकत बताने के लिए आता है। जिंस और मैंने आपसे पूछा आपका ताल्लुक कहां से है, आपने कहा हुजूर गोजरा से, आपने बताया गोजरा से, इसी जुमले को अरबी में कहेंगे अना मिन गोजरा। बिल्कुल आसान अरबी है, अनामिल गोजरा, मैं गोजरे से हूँ, ये तबीज है। नबी अगर ये कह रहे हैं कि हुसैन मुझसे है और यहाँ मिन का माना जुज है, थोड़ा सा है, तो फिर अगर किसी का कलेजा है ना तो हदीस का अगला टुकड़ा तर्जमा करके बताए इसी कानून पर, हुसैन मुझसे थोड़ा सा है तो फिर आगे तर्जमा करने की जरूरत है कि नाउज बिल्ला मैं हुसैन में से कुछ हूं, जुज हूं, नहीं नबी तो कुल है भाई, हुसैन उसका जुज है, तो फिर कहने का मकसद क्या है? ये मिन आया है हकीकत और जुज बताने के लिए, तो अब तर्जमा आपके हवाले, तर्जमा ये नहीं होगा हुसैन मुझ में से, मैं हुसैन से नहीं, जैसा जैसा मैं हूं। यह हक है सुनने का, जो जो हुसैनी है वो हाथ बुलंद करे, हाँ।
क्या कहा मैंने? हाँ, अब तर्जमा ये नहीं होगा कि हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से, नहीं, जैसा जैसा मैं। हाँ, जो चेहरे खिल गए कम से कम मेरे साथ बोले, वैसा वैसा हुसैन, जैसा नूर मेरा वैसा हुसैन का, जैसी हकीकत मेरी वैसी हुसैन की, जैसा जाहिर मेरा वैसा हुसैन का, जैसा बातिन मेरा वैसा हुसैन का। तो अल्लाह क्या कह रहा है, जब नबी पुकारे जवाब दो, वो तुम्हें जिंदगी देगा। इसका मतलब है जैसा नबी वैसा हुसैन, नबी पुकारे तो जिंदगी मिलेगी, हुसैन की आवाज पे लब्बैक कहने पे जिंदगी मिलेगी। तो भाई फैसला तो हो गया, आजादारों की नजर जुमला कर रहा हूँ, आपका फर्श आजा पे आना, अलम उठाना, आंसू बहाना, सबीले लगाना, मातम उठाना, ये शिया होने की अलामत नहीं, जिंदा होने की अलामत है। ये शिया होने की अलामत नहीं है, अरे तो जिंदा होने की अलामत। वो कह रहा है ए ईमान वालों, जब अल्लाह और उसका रसूल पुकारे फौरन जवाब दो। इसका मतलब है रिस्क का खालिक वो मिलेगी सरकार के दरवाजे से, हयात का खालिक वो मिलेगी सरकार के दरवाजे से। जमाना आए और हम पे एतराज करना छोड़े कि कब तक अली के फजाइल पढ़ेंगे। बस बताना ये है कि जिसका नफ्स इतना बुलंद है वो नबी कितना बुलंद होगा, जिसका नफ्स, जिसका वजीर, जिसका वसी, जो ये कहता है ना, अब तुम में नबी दे मोहम्मद, मैं मोहम्मद का अब्द हूं। ये अली का कौल काफी जैसी किताबों में मौजूद है, आना अब तुम में नबी दे मोहम्मद, मैं मुस्तफा का अब्द हूं। और अब्द का तर्जुमा सिर्फ अब्द ही होता है। मैंने बाज ना हंजार का अकलों को यहां तर्जुमा करते देखा है, मैं नाउजुबिल्ला मोहम्मद का गुलाम हूं। लफ्ज का एक तर्जुमा सरफो नहक में उस्ताद ने पढ़ा दिया और वो याद कर लिया। मैं आयत मैं पढ़ता हूं, जिसका कलेजा है और जो ये हौसला रखता है और इस बात पर जिद है कि अब्द का तर्जुमा गुलाम होता है, तो वो जरा तर्जुमा करे। आयत में पढ़ रहा हूं, सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही। सुबहान है वो अल्लाह जिसने अपने अब्द को मेराज कराई। करो तर्जुमा गुलाम, तर्जुमा खत्म नहीं होगा, 295C लग जाएगी। हबीब को गुलाम नहीं कहा जाता, इसका मतलब है जब निस्बत बदल जाए तो तर्जुमे बदल जाते हैं। जो मुझे खामोशी से पैगाम देना था मैंने दे दिया। वो भी समाए रिस्क तुम व मातुअदून, जो 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 तुमसे वादा किया गया है वो यहां से मिलेगा। आज तक इन 5 दिनों में आपने मुझसे अल्लामा मुहद्दिस दहलवी की लिखी हुई तफसीर सुनी। तफसीर और तावील का फर्क आप महसूस कर चुके। दिल चाह रहा है कि मुहद्दिस दहलवी के जुमलों के बाद कि उन्होंने बताया कि सूरज का क्या काम है और चांद का क्या काम है, दिल चाह रहा है कि मासूम की तावील आपके हवाले कर दो। गुफ्तगू कल यहीं से मुसलसल हो जाएगी। तौहीद मुफस्सल, नाम है सहाबी का मुफस्सल बिन उमर जौफी, नाम याद रहेगा। मुफस्सल कहां बोले सारे एक मरतबा, मुफस्सल बिन उमर जौफी। ये 3 दिन तक छठे इमाम के पास आया और कायनात के राजों पर गुफ्तगू की। अल्लाह ने पहाड़ बनाए क्यों बनाए, आसमान बनाए क्यों बनाए, जमीन बनाई क्यों बनाई। 3 दिन तक गुफ्तगू चली। तो उसी गुफ्तगू में जाहिर है जब आसमान का तस्किरा हुआ तो सूरज का भी तस्किरा हुआ। नहीं दिल जा रहा तो बाकी कल पढ़ देंगे, हाँ घर की बात है। नहीं, माशाल्लाह से काम नहीं बनेगा, नारे से बनेगा।
السماعي رزقكم رزق ذات مصطفى کی ضمانت وما تعدون اور جس جس چیز کا تم سے وعدہ کیا ہے وہ کہاں سے دروازہ ہے مصطفیٰ سے اب مفصل آیا نام کے پاس اگر کہ اللہ کا فرزند رسول ایک دن گزر چکا ایک دن آسمانوں پہ گفتگو کیا ہے ایک دن حیوانات پہ ایک دن نباتات پہ تو جس دن آسمانوں پہ گفتگو کی اور زمین پہ گفتگو کی ہے آ کے کہنے لگا فرزند رسول یہ بتائیے کہ یہ سورج کو بنانے کا کیا فلسفہ ہے بات بہت طویل ہے مجھے اس میں سے بس ایک جملہ آپ کو سنانا ہے ایک یہ کہ سورج روشنی کا کام دیتا ہے اور باقی باتیں میں آپ کو سنا چکا ہوں پھلوں کے اگنے کے لیے فصلوں کے اگنے کے لیے گرمی کے فراہم کرنے کے لیے انسانوں کی نشو نما کے لیے آگے امام نے عجیب جملہ فرمایا توجہ ہو جائے کہ مومن کہنے لگے یہ جو سورج کی مشرق اور مغرب ہے یہ ایک مشرق کسی کے لیے مشرق ہے کسی کے لیے مغرب ہے حیران نہیں ہونا بھائی ان کے فضائل پہ حیرانی بری بات نہیں ہے پریشانی بری بات ہے یہ تو ملتے ہی حیرتوں سے آ گیا ہر سورج اس کی ایک مغرب نہیں ہوتی جو کسی کے لیے مشرق ہے وہ کسی کے لیے مغرب ہے جو کسی کے لیے مغرب ہے وہ کسی کے لیے مشرق ہے اب آج کے سائنسی دور میں جہاں یہ پڑھے لکھے اسکول کالج یونیورسٹی جانے والے نوجوان میرے سامنے ہیں یہ بات سمجھانا مشکل نہیں ہے ابھی پاکستان میں گوجرا میں صبح ہو رہی ہے آپ کا کوئی عزیز رشتہ دار بھائی دوست کہیں امریکہ میں کینیڈا میں رہتا ہو ابھی مجلس کے بعد اس کو فون کر لیجیے گا اور اس سے پوچھے گا بھائی کیا وقت ہو رہا ہے تو وہ کہے گا آدھی رات میں نے تو جملہ کہہ دیا ہے میرے سننے والوں کے سروں سے گزر گیا ہے آدھی رات ہو رہی ہے یہاں سورج آب و تاب سے نکلا ہوا ہے وہاں ڈوبا ہوا ہے تو جو ان کی مغرب ہے وہ ہمارے لیے مشرق ہے تو امام نے فرمایا اے مفضل یاد رکھ یہی سورج کہیں غائب ہو جاتا ہے دوسرے مقام پہ نکل آتا ہے اب یاد رکھیے میرا نبی ہے سورج کہیں چھپ جاتا ہے کہیں نکل آتا یہی وجہ ہے اس دنیا سے چھپ گیا ہے اس دنیا میں ظاہر ہے یہاں غائب ہے وہاں موجود ہے سورج کہیں چھپ جاتا ہے کہیں ظاہر ہو جاتا ہے اب آ گیا ہوں اس آیت تک کہ ایک ایک علی و ولی اللہ پڑھنے والا میرے ساتھ ہو جائے تو جملہ کہوں فنہار اذا جلاہا قسم ہے دن کی جب وہ سورج کو روشن کرے اب سوال یہ ہے دن کو سورج روشن کرتا ہے یا دن سورج کو جب چاند وہ چاند نہیں سورج وہ سورج نہیں آسمان وہ آسمان نہیں تو پھر دن بھی وہ دن نہیں امام معصوم سے پوچھا مولا وہ دن کیا ہے کہ ہمارے قائم کا نام روشن دن ہے وہ آئے گا تو پتہ چلے گا مصطفیٰ کا مرتبہ کیا ہے سورج وہاں جا کر چھپ جاتا مگر جب یہ نبوت کا سورج چھپا تو وہ جو اس سورج سے تھا یا اس سورج جیسا تھا اس حسین نے مصلی پہ دعا مانگنی شروع کی پالنے والے میں نانا کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا اللہ نے حسین کے گھر ایک بیٹا پیدا
जो सर से पांव तक हुसैन के बेटे की, हुसैन का बेटा जो नबी की शबी था, हुसैन की आगोश में आया। दिन गुजरते गए, अकबर जवान होते गए। हर जवानी के एक साल बढ़ने पे माँ चेहरे के हुस्न को छुपाने के लिए एक नकाब बढ़ा देती है। हुसैन के घर के बराबर में एक शख्स रहता था जिसका 18 साल का जवान बेटा था। एक दिन उस बच्चे की आंख में कांटा चुभ गया। बुलंद आवाज से रोना, आज मैं रोने पे इसरार नहीं करूंगा। जिसे अकबर की जवानी का गम है वो चीख मार के रोए। आज एक बीबी आई हुई है जिसने 18 बरस अकबर को पाला है। ये तो वो गम है जिसपे हुसैन जैसा साबिर चीख मार के रोया। आज रोने में कोई बुखल ना करे। जब उस बच्चे की आंख में कांटा लगा तो वो शख्स इमाम हुसैन के पास आया और आके कहने लगा, मौला सारे तबीब नाकाम हो चुके हैं, मेरे बच्चे की आंख में कांटा लगा है, आप चल के कांटा निकाल दीजिए। हुसैन चले। अब जो सहने खाना में आए तो बच्चा एरियां रगड़ रहा है। एक मर्तबा हुसैन ने उसका सर अपने जानों पे रखा, अपने दस्त मुबारक से कांटा निकाला, पाप के चेहरे को देखना शुरू किया। मातम करना जिसको रोने पे पाबंदी नहीं आए। एक मर्तबा बच्चे की आंखों पे हाथ फेरा, पाप का चेहरा देखना शुरू किया, पाप के चेहरे पे सुकून के आसार आने लगे। हुसैन ने रो के पूछा, अब तू मुतमईन नजर आता है? कहा, हाँ मौला, बड़ी मन्नतों मुरादों से पाया था, इकलौता बेटा था, माँ की आंख का तारा था, मातम करे जो पुरसा देने के लिए आया है। एक मर्तबा हुसैन ने अमामा उतारा, मातम करके कहा, सोच अगर तेरा कोई 18 बरस का बेटा होता, फुफियों की आंख का तारा होता, माँ का लाडला होता और सिर्फ बेटा ना होता, सर से पांव तक नबी की शबू होता और आंख में कांटा नहीं सीने में बरछी के फल लगा होता। अजरकुमल्लाह। हुसैन अकबर से बड़ी मोहब्बत करते थे। जनाब उम्मे लैला रिवायत करती हैं कि जब मैं रात को अकबर को झूले में लिटा देती तो उसके बाद अक्सर एक साया अकबर के झूले पर नजर आता। मैं कई दिन तक खामोश रही, मगर एक दिन जब साया आया तो मैंने आवाज दे के पूछा, आने वाले तुम कौन हो? जैसे ही मैंने बुलंद आवाज से पूछा, आवाज आई, उम्मे लैला आहिस्ता, मेरा अकबर अभी सोया है। एक मर्तबा वाली की आवाज सुनी, काका कनी इसको याद किया होता, आप क्यों तशरीफ लाए? का सोचा था मैंने, कहीं मेरा अकबर प्यासा ना हो। हाय, बुलंद आवाज से हाय करना। आज हुसैन की उजड़ी हुई माँ पुरसा लेने के लिए आई है। आज खून रोने वाला अपने भाई का पुरसा लेने के लिए आया है। वो कि जब करबला के बाद किसी ने आके कहा, आका मेरे बेटे की शादी है, कहा हम खुशियों में शरीक नहीं होते, अपने घर मेरे अली अकबर की मजलिस रख ले। रोजादारों अजादार ने इंतजाम किया, शाकिर आ गया वो देखता रहा मौलाना आए, अजादार आ गए वो देखता रहा मौलाना आए। मगर जब मजलिस खत्म हो गई और बाहर आया तो जहां अजादारों की जूतियां पड़ी थी वहां मेरा चौथा इमाम सर पे मातम करके कहता था, हाय मेरा अकबर मारा। ये जवानियां सलामत रहे अली अकबर के सदके में। आज भी इराक के कबीले वाले हुसैन के हरम में अपने जवानों को नहीं ले जाते। जानते हो क्या कहते हैं? कहते हैं, मौला हमें शर्म आती है, हमारे जवान जिंदा हैं, आपका अकबर मारा गया। आपके रोने पे कोई पाबंदी नहीं है। अली की बेटी ने अकबर को रो के ताजियाने खाए हैं। पुरसा देने में वो हल्ला करना, अगले बरस वही रोएगा जो रहेगा। आजादारों, एक मर्तबा हुसैन का काफिला आ गया। शबे आशूर हर माँ अपने बेटे को दर्श दे रही थी। एक मर्तबा हुसैन खैमों का तिलाया करते हैं तो आवाज सुनी,
उम्मे फरमा काशिम को दर से शजात देती है, उम्मे रबाब अली असगर को दर से शजात देती है, जैनब और मोहम्मद को दर से शजात देती है। मगर एक मरतबा उम्मे लैला के खेमे से गुजरे, माँ ने आगोश में अकबर का सर रखा हुआ है। अकबर मेरे लाल, मैं अहले बैत की कनीज हूँ, देखो मेरे लाल मुझे सुरखरू कर देना। आशूर का दिन करीब आने लगा, रात ढलने लगी, एक मरतबा अली की बेटियाँ हुसैन के पास आईं। जुमला सुन के मातम करना जो पुरसा देने के लिए आया है, भैया हम नाना की आवाज़ में आजान सुनना चाहते हैं, तेरा अकबर हु बहू नाना की शबी है, भैया अपने अकबर से कही आजान दीजिए। हुसैन ने अकबर को बुलाया, एक एक हाथ मुझे सीने पे पड़ता हुआ नजर आए, मातम करना ज्यादा रे सर सीना पीटना, अकबर मेरी बहनें कहती हैं हमें नाना के लहजे में आजान सुननी है। एक मरतबा अकबर ने सर को झुकाया, कहा बाबा मेरी भी एक बहन मदीने में है, आवाज दो कि मेरी आवाज मदीने पहुंच जाए। ले आजादारो अकबर गुलदस्ता आजान पे आया, कानों पे हाथ रखे, तकबीर बुलंद की, अल्लाह अकबर। वहां मदीने में फातिमा सहरा तलब गई, नानी मेरे भैया की खैर। अकबर ने दूसरी तकबीर बुलंद की, अल्लाह अकबर। अली की बेटी को वश आने लगे। एक मरतबा अकबर ने गुलदस्ता आजान को छोड़ा, मातम करना मातम, पुरसे का दिन है, कोई आंख ऐसी ना हो जिसमें आंसू ना हो। मैंने जनाबे आलिया का फरमान पढ़ा है, वो आंख निकल क्यों नहीं जाती जो मेरे अकबर को ना रो सके। आहोरे करवाए सुनो, सैयद महदी बहरुल्लू, ये वो आलिम है जो हरम हुसैनी में अशरा पढ़ा करते थे। अजादारों किसी ने आके सैयद महदी से कहा, आज हरम हुसैनी में अकबर के मसाइल सुना दो। सैयद महदी मिंबर पर आए, मुसीबत का पढ़ना शुरू किया, पहला जुमला पढ़ा, जब अकबर ने खैमा छोड़ा मक्तल कहता है सात मरतबा पड़ता उठा, सात मरतबा गिरा। वजह जानते हो क्या है? जब जब अली अकबर चलता कोई बीबी कमर के पटके से लिपट जाती, कोई बाजू से लिपट जाती, मगर जब सातवीं मरतबा अकबर चला तो अब कोई कमर से नहीं लिपटा। किसी ने अबा के दामन को नीचे से थामा, अकबर ने पलट के देखा, चार बरस की बच्ची हाथों को जोड़े, भैया हमारी गुर्बत पर रहम था। लो आजादारों अकबर चलने लगा, हुसैन ने सवार कराया, अकबर की सवारी चली। अब जो चली ना तो कुछ कदम अली अकबर का घोड़ा चला था कि किसी के कदमों की चाप की आवाज आई। एक मरतबा अकबर ने पलट के देखा, बूढ़ा बाप पीछे पीछे आ रहा है। अकबर ने जीन को छोड़ दिया, बाबा अभी तो रुख्सत किया है। बाबा जुमला सुनोगे हुसैन का, घर तक याद आएगा तो मातम करते हुए जाओगे। सर से पांव तक अकबर को देख के कहने लगे, अकबर काश तेरा कोई तुझ जैसा बेटा होता। मातम। एक मरतबा अकबर चले, रावी कहता है हुसैन टीले पर है, फिज्जा दर खैमा पर है, अली की बेटी की निगाहें फिज्जा के चेहरे पे, फिज्जा की निगाहें हुसैन के चेहरे पे। आवाज दी, फिज्जा अकबर का मामला है, भाई के चेहरे पर निगाह रखना। मगर एक उजड़ी हुई माँ है जो मुसल्ले पे बैठी दुआ कर रही है, आए याकूब से यूसुफ को मिलाने वाले मेरे अकबर को मुझसे मिला। दो जुमले सुन लो, हो गई मजलिस। एक मरतबा अकबर ने लड़ना शुरू किया, मुर्रा बिन मुनकद नामी मलऊन आगे बढ़ा, करीब आगे कहता, अकबर सुना है तुम्हारे बाबा को तुमसे बड़ी मोहब्बत है। कहा हाँ मेरे बाबा को मोहब्बत है, और ये कह के पर्ची अकबर के सीने में मारी और पर्ची का फल तोड़ दिया। सैयद महदी ने जुमला कहा, अकबर के सीने में पर्ची लगी, खुदाम दौड़ते हुए आए, सैयद मिंबर छोड़ दे, सैयद मिंबर छोड़ दे। कब मैंने कुछ गलत कहा है? काम गलत सही नहीं जानते, जब से तुमने जुमला कहा है हुसैन की जरी से खून के फुहारे। बस है
يعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. سكري وسكيا